आपस में फोन पर धमकी दिया गया, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर, और भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, किसी धारदार हथियार से वार हुआ है, तो अंक साथ लड़ाई होती रहती। अजय की बॉडी बेड पर थी और मम्मी ने हॉस्पिटल ले जा रखी थी। भीतर जाके देखियो, जब ऐसा लगे हो कि हाँ कोई धारदार बड़ी हथियार से आगो मतलब वार करेड़ो है, फोन पे फोटो लगा के हथियार के साथ लगा के फोटो भी लगा रहे थे। गांव तो बोल रहे थे कि आप आपस में लड़ा होगा केवल रात में। रामा जी नमस्कार, मैं अरुण थे देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। फिलहाल हम मौजूदा झुंझुनू का ग्राम पंचायत हमेरी कला के अंदर और थाना, मेरे पीछे एक मकान दिखाई दे रहा है। मकान के अंदर चार मेंबर रिहा करता, जिनमें से दो मेंबर मौजूद हा रात में, जगह माँ बेटो अजय भी लड़कों को नाम बताया जा रहा है, आपकी मम्मी के साथ में रिहा करता है, और उनका जगह भाई दिनेश नाम बताया जा रहा है, उनका जगह पिताजी है वह अलग रिहा करता है। और पूरा जगह बताया गया कि शायद रात ने एक बहुत ही आप कह सकते घिनौनी घटना में अंजाम दिए गए, धारदार हथियार से बड़कों पर वार करे गए हैं, और हथियार की है अभी तक चीज कुल्हाड़ी ही या फिर तलवार ही, लेकिन इतना सारा वार बड़कों पर कर रखा बड़की चेहरे के ऊपर और गर्दन के ऊपर, अब खसका की बहुत ज्यादा दर्दनाक तरीके से। और जो लड़को जो नाम मुझे बताया जा रहा है, मौके पर भी की मौत होगी, और बड़की जी की मम्मी ही बड़की भी हालत गंभीर बताई जा रही है, जयपुर में रेफर कर दिया गया। पूरा है एसपी साहब मौजूद है और जांच चल रही है, बातचीत बड़े साहब कराएगा, साथ में गांव से लोगों से बातचीत कराएगा, क्योंकि जो पड़ोस का जो घर है उन्हें भी बताया गया कि सबसे पहले लगभग 10 से 11 बजे के समथिंग जो बंद देखा गया है, वे जगह घर के अंदर मेंबर थे पड़े हैं, कद को की मामलो है, और पीने की रंजिश है कि पूरा मामलो है, जानागा था लोगों से बातचीत कराएंगा, वीडियो शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना। बताओ कि कद को की मामला वैसे ये रात को हेड़ो बताओ दिनेश मेरे साथ, तो दिनेश फोन करेगी, मतलब दिनेश का फोन करने के बाद अठे पूछो जान देखी भाई लाश तो अजय की तो बॉडी तो बेड पर थी, मम्मी ने हॉस्पिटल में लिया गया था। दिनेश जी को फोन था करना है? हाँ दिनेश सर साथ में रहेंगे, हाँ लगभग मेरे साथ ही रहते, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद आपका काम कम संभाला लगे, कोई फर्नीचर वगैरह को, तो दिनेश जी का जगह मरते कहीं एक तो भाई ला गए और एक मम्मी ला गए। हाँ थे लगभग उरा कहते थे तुमसे? मैं तो पूछा लगभग 12:30 बजे। अच्छा क्या सिचुएशन है? सिचुएशन यह थी कि पुलिस धनौरी थाना पुलिस आई डी थी, और बॉडी अजय की बॉडी बेड पर थी, और मम्मी ने हॉस्पिटल ले जा रखी थी, खेतान हॉस्पिटल ले गया था, उठे कोई इलाज चल रहे और उठे और रेफर कर दिया जयपुर के लिए। दिनेश जी थे बता रहे हो तेरे साथ में पहले, तो कोई पहले भी है कि कोई बात कि भाई कोई धमकी आई हुआ है, कोई लड़ाई कोई बात को नहीं, 15 दिन पहले मेरे को फोन करे हो कि लगभग 3 तारीख पहले ही फोन करे हो, दिया कही थी भाई भाई ने धनवरी थाना में ले जा रखा है, थाना में बात करी बोले कि साहब ये तो चोरी का मामला, फिर वो मामला मतलब शक आधार पर पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी, वो मामला जो आज जो आरोपी बताया जा रहे पवन उनको नाम एंड पुलिस ने बताया कि साहब मैं चोरी कौन करी, चोरी पवन करी, कोई अमेरी गाँव में कोई मित्र के ऊपर चोरी हुई थी, उन लेके आपस में दोनों गश होगी रंजिश होगी, पर दोनों आपस में फ़ोन पर धमकी दिया गया व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर, और भी अभी गाँव का बता रहे हैं साथी नहीं गए कि फ़ोन पर फोटो लगा के हथियार के साथ लगा के फोटो भी लगा रहे थे, वो अपराधी जन पुलिस डिटेन करे पवन डे नाम करके, डिटेन भी करे, हाँ डिटेन करे हुए थोड़ा ले जा रहे बताऊँ, अभी पुलिस वाला बता रहे हैं चीज़ में, आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है, आधिकारिक पुष्टि अब ये तो मुख्य तो बता ही रहे हैं अधिकारी, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती बदौला साल से, इनके अलावा और कितना के लोग शामिल है के भी प्रोग्राम करेंगे, अब इन चीज़ को नॉलेज कौन है, तो ये तो भाई कौन कौन हो सके हैं, तो जब मान तो एक ही आदमी पर शक है, दिनेश यू ही को बता रहे हैं, वो किसी की महिला है उनको पाथे देख रहे नहीं, वो तो अभी अंडर ट्रीटमेंट है एम्बुलेंस और जयपुर के लिए रेफर है, इलाज चल रहा है, वो भाई हो अजय बन खत्म होगा, हाँ अजय खत्म हो गई बजाय थे आया टाइम बिजाइन बन के सांस साध रही है, ना ना वो तो ऑन द स्पॉट ही हो लिया था, वो तो बहुत देर हो गई थी, कैसे की वार कर डाल हम देख चला गैर वार था, एक तो गड़े पे तीन था सिर के अंदर वार, एक तो लंबा वार सिर में सीधो था, एक कनपट्टी में वार था, आपकी भाने के तो घरा दो आदमी रहता है, दोनों माँ बेटे ही है। अच्छा तो सबसे पहले बताया गया कि थारे परिवार से कोई देखियो कि बेउरा पड़े हैं उनको मर्डर, वो कद की बात है कौन देखो कद कोई कौन देखा बता दी ने, मैं इतनी बात है तन बात बता दी बीनी दिन गई मत्या ने लान गई। अच्छा
ऊपर चढ़ गयो और मारे साथ ही मन तो बिन मतलब देख के आगे मैंने बताया मैंने बता दिया बोले आदमी यहाँ पड़े ही तो बोले उनको ये क्या बात है कहाँ पड़े देखा तो ना तो मंगवाया तो लोई लाई दिखे हैं हम तो लड़े ही कहते और कहें कोई वही बात जाके मेरे घर का रिपोर्ट दे दी मैं किसी बात है संभालो जाके परिवार में जाके हाँ बस इतने ही काम हमारा कब जी किसी बात अलग या दिन की सुबह की दस मतलब देखा देखा दस ग्यारह बजे की बात है। एक बात बताता हूँ कि ना इतना बड़ा हादसा है गांव के अंदर ये बहुत गलत बात है। इससे पहले भी वो घर में कोई लड़ाई की कहें कि कोई बात तरह सामने आएगी लड़ाई तो इनकी मतलब के है कि पहले तो होती रहती या मतलब इनको आदमी है मरियो इनको बाप है जो मरियो हो तो अं के साथ लड़ाई होती रहती बाद में कई बार पासे पहुंची मतलब रिपोर्ट दिनी है मन बताया ही आया ही आके देखा भाली करिए फिर रिपोर्ट दी है वहां पुलिस तो वह दिनी है बारह एक बजे का लगभग मतलब की रिपोर्ट क्या करेंगे ये मारा घर है पुराना घर है हमारा चाची रेकान का लड़का ऐसा रिया करता अच्छा सागी चाची वो बगल लड़का लगेंगे हाँ सागी चाची है बाकी परिवार वाला सब अलग अलग है अच्छा तो ये मारा घर जैसे थोड़ा मानो 300-400 मीटर आसपास है घटना बताई जा रही है यार साहब रात की घटना बताई जा रही है और सुबह 11 या 11:30 बजे के आसपास गाँव ने पता लगा इस चीज को कीजा इतनी बड़ी घटना हो जाए है तलवार से बताया गया कि कोई धारदार हथियार हो वार करे जाए तो कोई आवाज भी करी होगी बचाने की कोशिश भी करी होगी कोई नहीं पता को लगे गांव के अंदर पता तो साहब अब के गर्मी को टाइम में लोग कूलर वगैरह सब पंखा ये चला के सो भीतर तो मतलब बाहर की आवाज जा कौन से के अंदर तो पता को लगे और फिर अभी टाइम को भी कौन पता होगी कब जी मतलब यदि घटना करी गई है कब जी हुई है तो भी चीज से क्या पता बता कौन सका थाने कितने बजे पता लगे मन पता लगे 12-1 बजे के आसपास मतलब 12:30-11-12 बजे के आसपास पूरा जब एम्बुलेंस ने फोन करे हो बाकी गांव का इधर बेड़ा बेड़ा इकट्ठा हो रहा और एम्बुलेंस आई जना साथ भीतर गया जना पता लगे गांव तो बोल रहे थे कि आपस में लड़ा होगा केवरो रात में भीतर जाके देखो जब यहाँ लगे हो कि हाँ कोई धारदार बढ़िया हथियार से आगो मतलब वार करेड़ो है तो बीस है एक की तो मौत हाथी हाथ होगी एक का थोड़ी कोई मतलब अठिया गर्दन के नजदीक कौन लगी थोड़ी आसपास दूर लगी तो बीस है उनमें थोड़ो सांस हो यहाँ तो फिर वार करे गया वार तो खूब जगह करेड़ा है आपस में कोई कोई सा अनबन कोई दुश्मनी कोई यही कुछ मैं की कोई मतलब चीज को नहीं है लेकिन आपको अभी पता लगे वो कि अभी साथ वाला लड़का कोई कर दे या फिर कोई और कटिन से कोई आगे कर दे तो इस चीज को अब क्या पता लग रहा अभी कोई पुख्ता सूचना तो को नहीं लेकिन सुनने में यह भी आ रही है कि पुलिस एक आरोपी डिटेन भी करे हैं कि कोई चीज सामने आई है नहीं मेरे सामने ही कोई नहीं है क्योंकि मैं अभी वो एम्बुलेंस के साथ भी जगह बीडी के बड़े से सब आए हूँ जस्ट थाने कोई चीज को शक ला गई कोई ऊपर न मैंने फिलहाल तो कोई पर शक को ला गई क्योंकि मन तो ध्यान ही को नहीं कि कहीं साथ रहे हैं कण के साथ नहीं रहे तो मैं तो मेरे शॉप पर जाऊं शाम को लेट आऊं पूरा ये दो ही आदमी रिया करता पूरा ये दो ही रिया करता आज से पहले भी कोई है कि कोई हमलों की कोई या फिर कोई धमकी की कोई कोई चीजें हैं कि कोई नहीं आज से पहले कोई है कि कोई बात भी को नहीं ना कोई वहां के कोई मतलब झगड़ो एडो कड़े ना कोई है कोई काम एडो तो भी चीज को इतो तो पता होगा मेरी कला गांव में आए हो कि ये पूरा मामला है अभी प्रथम दृष्टांत पे लग रहा है हां यहां पर एक गांव में हमारे पास सूचना आई थी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है किसी धारदार हथियार से वार हुआ है और उनकी माताजी को भी चोट लगी थी तो माताजी को जयपुर रेफर किया है यहाँ पर बॉडी को हमने मोर्चरी शिफ्ट करवा दी है और स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया है जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं आरोपियों को पकड़ने का अभी प्रथम दृष्टा से क्या लग रहा है सर की अभी कुछ नहीं लग रहा है अभी अनुसंधान करेंगे तो पता चलेगा लोग ही परिवार का जगह लोग बड़े को यह खड़ा है कि अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है कि कौन सा हथियार से उनको प्रवार करे हुए हैं और कुल एक अंदर आरोपी उसकी पुलिस जांच भी चीज की कर रही है और एक आदमी डिटेन भी करे हुए हैं कि सूत्रा के वाले से खबर आने भी चीज की पुष्टि से की है बापा कौन कर रहा जब तक पुलिस को कोई अपहा की बयान सामने आपने नहीं आया है और लेकिन अपहा की गाँव के अंदर बहुत ही दर्दनाक जो हादसों अपा बोस का है फिर अपहा की बहुत ही गलत काम जो हो रहे है और जैसे है एक आदमी की मौत हो गई लड़के की लड़की की मम्मी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है थाने के लगा है कि क्यों आपने झुंझुनू के अंदर का मामला यहाँ पे लगातार रूप से बढ़ता जा रहा है साथ में आप देखेंगे एसपी साहब खुद मौजूद हाँ और ये मामले में खुद आपका अंदर में
देख रहे भी कर रहा है। इससे पहले भी काफी सारा आएगा मामला देखे जगह के अंदर, बहुत जल्दी मेरे को आरोपी जगह पर गिरफ्तार करे गए। आशा यही करी जाएगी कि जल्दी से जल्दी अलग अलग आरोपी भी गिरफ्तार हो ताकि अपराध को जो ग्राफ है वो झुंझुनू के अंदर कम हो सके। मिलागा अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।